अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जब हम डीप लर्निंग की आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं तो तीन फ्लेवर्स हैं, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हिट है? अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मैंने अभी आपसे वादा किया था कि मैं आपको ट्रेन करूँगा कि सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चंस या मास्टर्स के इंटरव्यू के क्वेश्चन जब आपने एडमिशन लेना है, या इवन पीएचडी के या रिसर्च क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, अगर आपसे कोई कॉमन कहे कि इन तीनों में सबसे हिट आइडिया या एरिया या आर्किटेक्चर कौन सा है, आपने फ़ौरन कहना है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। क्यों? डीप लर्निंग की सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आई या जो सबसे ज़्यादा फेमस डीप लर्निंग हुई या हिट हुआ या बूम आया वो विजन में आया, और विजन या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को जो लोग समझते होंगे उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कन्वोल्यूशन का। अब कन्वोल्यूशन इटसेल्फ क्या है, ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के कोर्स में भी मैं कई दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। आप वो स्लाइड्स, मेरा कोर्स है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का जो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वरना सिंपल लफ्ज़ों में होता क्या है, हमारे पास इमेज प्रोसेसिंग जो सारी बेस कर रही है वो ये कर रही है कि हमारे पास इनपुट डाटा है जो पिक्सल की फॉर्म में, और उसके ऊपर हम कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं और फिर उस इनपुट डाटा के साथ खेलते हैं। ये जो फिल्टर को अप्लाई करना है इनपुट डाटा पे, ये है सारा कन्वोल्यूशन का गेम। अब उस कन्वोल्यूशन में होता क्या है, कॉमनली जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स के हैं वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही याद रख सकते हैं कि आपके पास इनपुट डाटा है इमेज का जो पिक्सल के फॉर्म में होगा। पिक्सल से मुराद है कि उसमें कुछ वैल्यूज़ पड़ी होंगी, आरजीबी या ग्रे स्केल वैल्यूज, वट एवर, उनके ऊपर आपने अपना फिल्टर अप्लाई करना है। जो फिल्टर अप्लाई करना है वो थ्रू कन्वोल्यूशन करना है। तो कोई भी ऑपरेशन जिसके अंदर हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हैं उसकी मदद से जो चीज़ बनेगी वो होगी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। दोबारा मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में क्या है, इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, दरमियान में लेयर्स हैं। जो ये जो दरमियानी लेयर्स बनी हैं, अगर ये लेयर्स थ्रू कन्वोल्यूशन बनी होंगी तो जो एंड न्यूरल नेटवर्क होगा वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होगा। सिंपल, गुड। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, सीएनएन द टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स हैविंग वन और मोर कन्वोल्यूशनल लेयर्स इन इट, दे आल्सो हैव वन और मोर एडिशनल पूलिंग एंड फुली कनेक्टेड लेयर्स। अब ये फुली कनेक्टेड लेयर्स के हैं, पूलिंग लेयर्स के हैं, इन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आसान लफ्ज है। पूलिंग का मतलब क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे आफ्टर कन्वोल्यूशन उनको हम चेंज करेंगे थ्रू पूलिंग। इसमें कॉमनली जो है वो मैक्स पुलिंग ली जाते हैं। मैक्स पुलिंग से मुराद क्या है, लेट से हमारे पास चार रिजल्ट आए तो उनमें से एक को हम सेलेक्ट कर लेंगे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह फुली कनेक्टेड लेयर्स का है, ये है बेसिकली हमने जो हमारे पास मैट्रिक्स का डाटा है उसे हमने वेक्टर में कन्वर्ट करना है। इसको भी हम डिटेल में भी देखेंगे, यहाँ पे भी हमने लिखा है कि इसके ऊपर फुली डिटेल्ड लेक्चर होंगे कि क्या होता है फुली कनेक्टेड लेयर, क्या होती है कन्वोल्यूशन के बाद मैक्स पुलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में भी देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग सीएनएन क्या है, हमारे पास कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम इनपुट डाटा ऑटोमेटिकली। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनपुट लेयर है, आउटपुट लेयर है, दरमियान में कन्वोल्यूशन लगी हुई हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके देते जा रहे हैं अपने सिस्टम को ट्रेन करने के लिए। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स जो थे ये डिजाइन किए गए थे टू मैप इमेज डेटा टू एन आउटपुट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, फॉर अ गिवन इनपुट इमेज सीएनएन प्रिडिक्ट्स वेदर दिस इमेज कंटेन्स कैट और डॉग इन इट। इसका मतलब है कन्वोल्यूशन जो है इसका मेजर फोकस जो है वो क्लासिफिकेशन पे है। आपके पास एक इमेज है, आपने फाइंड आउट करना है कि ये जो इमेज है इसके अंदर ह्यूमन फेस है या नहीं, ये जो इमेज है इसके अंदर एक कैट मौजूद है या नहीं, डॉग है या नहीं, तो ये क्लासिफिकेशन के लिए यूजफुल है। दे हैव प्रूवन सो इफेक्टिव दैट दे आर द गो टू मेथड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रिडिक्शन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इमेज डाटा एज एन इनपुट। इससे मुराद अब क्या है कि जब भी आपके पास इमेज रिलेटेड कोई टास्क आए तो आपने नहीं सोचना कि MLP यूज़ करें, RNN यूज़ करें, नो, सिंपल आप कन्वोल्यूशन को यूज़ करें। 100% या 99% आपके पास हमेशा कन्वोल्यूशन बेहतर रिजल्ट देगा वेन एवर यू हैव गॉट इमेज डाटा या इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग CNN इज देयर एबिलिटी टू डेवलप एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टू डायमेंशनल इमेज। अब इससे क्या मुराद है, ये इंटरेस्टिंग है, इसमें मैं डिटेल में भी आऊंगा जब हम मैथमेटिकली इस चीज को देखेंगे। फॉर द टाइमिंग क्या है, आपके पास इनपुट इमेज है, इस टू डायमेंशनल मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि आपने इनपुट इमेज को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो पिक्सल वैल्यूज होते हैं। पिक्सल वैल्यूज में आपके पास RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू वैल्यू पड़ी होती है, कलर वैल्यूज पड़ी होती हैं। अब ये सारी मैट्रिसेस चाह रही हैं। क्यों कन्वोल्यूशन हिट हुई, क्योंकि कन्वोल्यूशन बहुत अच्छा डील करती है मैट्रिसेस को या टू डायमेंशनल डाटा को। इससे मुराद क्या है, टू डायमेंशनल डाटा पे या मैट्रिक्स पे आप कन्वोल्यूशन लगाते हैं और वो इनपुट डाटा को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। यही कन्वोल्यूशन के हिट होने की सबसे बड़ी वजह है। दिस अलाउज द मॉडल टू लर्न पोजिशन एंड स्केल इनवेरिएंट स्ट्रक्चर्स इन द डाटा विच इज इंपॉर्टेंट वेन वर्किंग विद इमेजेस। जैसे मैंने अभी कहा था, इनपुट डाटा जो आपके पास पिक्सल की फॉर्म में पड़ा है वो लेट्स से रेक्टेंगल की फॉर्म में पड़ा है या मैट्रिक्स की फॉर्म में पड़ा है, उस पर आपने कन्वोल्यूशन लगाई तो आपने उसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका
एडवांटेज हमारे पास क्या हो रहा होता है, एडवांटेज ये होता है कि आपके पास जो पोजीशन है ये स्केल इनवेरियंस है कि साइज़ बड़ा छोटा हो जाए, जूम इन जूम आउट हो, स्टिल वो बड़ा अच्छा अप्लाई होता है। कैसे होता है ये डिटेल भी हम देखेंगे, फॉर द टाइमिंग हम अभी कन्वोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं। UCNN फॉर इमेज डाटा, क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन प्रॉब्लम पे भी बेहतरीन सॉल्व करेंगे। रिग्रेशन प्रेडिक्शन प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल इनपुट इमेजेस ऑफ द हाउस एंड आउटपुट इज द प्राइस ऑफ हाउस, जैसे मैंने कहा था रिग्रेशन जो है वो एक यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट नंबर होता है, कंटिन्यूस नंबर के लिए होता है। मोर जनरली CNN वर्क्स वेल विद डाटा दैट हैज अ स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेशल से मुराद ये कि विद जिसके अंदर हमारे पास आपस में रिलेशनशिप हो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस के, लोकेशन के लिहाज से जब रिलेशनशिप हो तो उसके अंदर ये जो है हमारे पास डाटा बड़ा अच्छा काम करता है CNN का। अब CNN जो है, द CNN इनपुट इज ट्रेडिशनली टू डायमेंशनल अ फील्ड ऑफ मैट्रिक्स बट कैन ऑल्सो बी चेंज टू वन डायमेंशनल अलाइंग टू डेवलप एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वन डायमेंशनल सीक्वेंस टू। अगेन अभी हुआ क्या कि जैसे मैंने अभी बात की कि कन्वोल्यूशन जब स्टार्ट हुई, अगेन बड़ा आसान सा मैं कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग तैयार हों, ज़्यादा फोकस कन्वोल्यूशन का CNN का इमेज डाटा के लिए, लेकिन क्या ये बाकी डाटा के लिए यूज़ हो सकता है? आपने ये नहीं कहना नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा हिट नहीं है, हिट इमेज डाटा के लिए। लेकिन अगर हम इसको टू डायमेंशनल से सिंगल डायमेंशन में, वन डायमेंशन में ले जाते हैं तो फिर बाकी डाटा के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अब वो बाकी डाटा कौन सा है? टेक्स्ट डाटा। जैसे टेक्स्ट डाटा जो है वो मल्टीपल डायमेंशन में नहीं होता, वो सिंगल लाइन में होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है। जैसे करेक्टर्स हैं तो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स हैं सेंटेंसेस बनते हैं, वो सिंगल लाइन डाटा होता है। तो CNN के डाटा को अगर हम टू डायमेंशन से मैट्रिक्स की फॉर्म से वेक्टर की फॉर्म में ले आते हैं तो स्टिल वो बड़ा अच्छा प्रोसीजर होगा, एक अच्छा ऑप्शन होगी हमारी वेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बेहतर क्या है, यूज़ हो सकता है कन्वोल्यूशन, बेहतर क्या है कि वहाँ पे आप RN यूज़ करें जो भी हम आगे की तरफ पढ़ेंगे।